इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, कल ये सड़क जो है पूरी तरीके से सुनसान थी। यहाँ जो टेंट लगे हुए थे वो भी यहाँ से हट गए थे, और साथ ही जो ट्रैक्टर ट्रॉली में टेंट लगा करके यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे प्रदर्शनकारी, वो भी हट गए। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, धरना जो स्थल है मेरे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पीछे आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब नज़ारा बिल्कुल एकदम पिक्चर सामने क्लियर है कि ये टेंट कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर और दूर तक लग गए हैं, और यहाँ पर टेंटों को लगाया जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से जो टेंट है इनको लगाया जा रहा है, बांधा जा रहा है, और यहाँ पर जो लोग कल के मूवमेंट के बाद में यहाँ पर आए हैं और आने के बाद में यहाँ पे कस रहे हैं। बाबा जी, ये नए टेंट लगा रहे हो? नए टेंट लग रहे हैं। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अच्छा, चंडौला। कितने लोग रहेंगे इस टेंट में? कम से कम इस टेंट में रहेंगे 50 लोग। कितने टेंट लगभग अभी नए लगाए गए होंगे? कम से कम 200 तो अभी तैयार हुए और 250 की तैयारी चल रही है। अच्छा, कितने टेंट? 500 के करीब। 500। जिस तरीके से देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, यहाँ पर अपने टेंट जो लगा करके यहाँ पर अपने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जो पिक्चर बदल रही है, और जो किसान हैं उनका आना लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में कि रजाई गद्दे लेकर के सामने साथ में आ रहे हैं, और ये लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान वक्ता यूनिट के तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये लगातार लोग जो आगे से जा रहे हैं, और क्योंकि जिस तरीके से जो लोगों का यहाँ पर आना जारी है, रात के करीब 12 बज चुके हैं, लेकिन 12 बजे तक जो यहाँ पर जो किसान है उनका आना जो है वो रुक नहीं रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अब काफ़ी तादाद में यहाँ पर किसान आ चुके हैं, लेकिन उनका आना अभी भी लगातार जारी है। वही किसान नेताओं का मानना है कि कल तक ये जो संख्या है ये और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन अभय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।